विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल को नेता चुन लिया गया है। बैठक में मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। चुनाव के प्रभारी संजय सिंह इस प्रक्रिया में प्रभारी थे, जिसके बाद विधायकों ने एक राय के साथ केजरीवाल को नेता चुना। 16 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये शपथ ग्रहण समारोह 10 बजे से शुरू होगा। दिल्ली के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी एक बार फिर विजेता बनकर उभरी है। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में पहली बार काम की राजनीति को सम्मान मिला है। दिल्ली ने नफरत की राजनीति को नकारा है। आपको लगातार दूसरी बार बंपर जीत दिलवाई है। आप नेता बोले कि दिल्ली की जनता काम को पसंद करती है। राजनीति का विकास मॉडल सिर्फ केजरीवाल के पास है। निर्भया के गुनाहगारों को फांसी देने का नया डेथ वारंट जारी करने का ट्रायल कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब कोर्ट में कल सुनवाई होगी। इस दौरान निर्भया की मां भावुक हो गई और हाथ जोड़कर कहा कि डेथ वारंट जारी कर दीजिए। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान वे बेहोश हो गई थी। निर्भया के माता पिता और दिल्ली सरकार ने इसके लिए अर्जी दायर की थी। दोषी विनय शर्मा, मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी, लेकिन 31 जनवरी को कोर्ट ने इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक घर से 5 शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों में पति, पत्नी और 3 बच्चे हैं। पति ई रिक्शा चलाता था। सभी लाशें करीब 1 हफ्ते पुरानी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और अफगानिस्तान समेत 25 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर पहुंचे। ये प्रतिनिधिमंडल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 6 महीने बाद जमीनी हालात का जायजा लेने पहुंचा है। पहले दिन सभी सदस्य श्रीनगर स्थित डल झील घूमने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सभी प्रतिनिधिमंडल उत्तर कश्मीर के फल उत्पादक किसानों से मुलाकात करेंगे। सामाजिक समूहों, मीडिया और स्थानीय राजनेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। भारतीय सेना उन्हें घाटी में सुरक्षा की स्थिति की जानकारी देगी और नए केंद्र शासित प्रदेशों में पाकिस्तान की शह पर आतंक को बढ़ावा देने के बारे में भी बताएगी। CAA को लेकर आजमगढ़ में कांग्रेस और सपा आमने सामने है। यहां सपा और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहले ही पीड़ितों से मुलाकात कर चुका है, लेकिन अब खुद महासचिव ने कमान संभाली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 1 दिवसीय आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे। बिलरियागंज में CAA के विरोध में हो रहे धरने में पुलिसिया कार्रवाई से पीड़ित परिवारों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उनके बोल बिगड़ गए और उन्होंने यूपी के देवबंद को आतंकवाद की गंगोत्री ही कह डाला। सहारनपुर में एक कार्यक्रम के मंच से बोलते हुए गिरिराज ने कहा कि जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं, चाहे हाफिज शहीद ही क्यों ना हो, सबके तार यहीं से जुड़े हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि देवबंद CAA के खिलाफ नहीं, हमारे भारत के खिलाफ है। मेरठ के अगवानपुर गांव में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के परिजनों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि अमानतुल्ला खान के चुनाव जीतने की खुशी में रिश्तेदार मिठाई बांट रहे थे, तभी वहां पुलिस पहुंच गई और जश्न मना रहे लोगों के साथ मारपीट करने लगी। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बाकायदा अमानतुल्ला खान की बहनों ने खुद अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पुलिस पर मारपीट करने के आरोप भी लगाए और पुलिस ने गाँव में घुमा घुमा कर जलील भी किए हैं। ग्रेटर नोएडा में मायावती के भाई की कोठी का बिजली का बिल जमा न करने पर बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया। मायावती के भाई पर 67,049 रुपए का बिल बकाया है। बादलपुर गांव में पूर्व CM मायावती के भाई आनंद के नाम ये कोठी है। राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 13 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि MDDA में नए पदों को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है और नए पद के साथ उत्तराखंड निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार नियमावली के बदलाव किया गया है। देहरादून में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में रेखा आर्या का बॉयकॉट हुआ। वहीं राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कार्मिक विभाग पर दादागिरी का आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक में सुझाव आधे अधूरे ढंग से शामिल किए गए हैं। राजधानी देहरादून में मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा चलाने की मांग को लेकर कई दिनों से परेड मैदान पर धरना और अनशन कर रहे चालकों ने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को सरकार का पुतला फूंकने के दौरान एक चालक ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कर आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और साथी ई रिक्शा चालकों ने आत्मदाह से पहले ही उसे पकड़ लिया। घटनाक्रम के मुताबिक ई रिक्शा चालक लैंडस्लॉन चौक पर राज्य सरकार का पुतला फूंकने के लिए एकत्रित हुए। ई रिक्शा चालकों ने जैसे ही पुतला दहन शुरू किया, इसी बीच रवि फुकेला नामक के ई रिक्शा चालक ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आत्मदाह की कोशिश करने लगा।
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लापता जवान राजेंद्र सिंह की पत्नी से मिलकर जाना उनका हाल। सैन्य अस्पताल में भर्ती है जवान की पत्नी। सीएम ने कहा जवान की खोज के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में फाइनल सुनवाई हो रही है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ में समक्ष इन अपीलों की बीते सोमवार को भी सुनवाई जारी रही। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। रामपुर में नवाब खानदान में अरबों रुपए की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 16 हिस्सेदार हैं। इसके अलावा कई नए दावेदार खुद को नवाब का वंशज बताते हुए कोर्ट में अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं। ये लोग संपत्ति में हिस्सेदार बनना चाहते हैं लेकिन बात बन नहीं पा रही। अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है। अब वे हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 माह पहले रामपुर के आखिरी नवाब राजा अली खां की संपत्ति के बंटवारे के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी गई थी। कानपुर में सीएए के विरोध में हिंसा व प्रदर्शन में एएमयू के पूर्व छात्रों के शामिल होने और हिंसा भड़काने की खबर मिली है। जांच एजेंसियों के अनुसार पीएफआई के संपर्क में था एएमयू का पूर्व छात्र। फिलहाल इस मामले में छात्र की भूमिका की जांच चल रही है। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के रिंग रोड के किनारे फरीदपुर गांव के समीप मंगलवार की रात में वाराणसी एसटीएफ ने मुठभेड़ में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश राजेश दुबे उर्फ तुन्ना को ढेर कर दिया। शातिर बदमाश गाजीपुर के अलीपुर बनगावा का निवासी था। उस पर गाजीपुर चंदौली वाराणसी बस्ती समेत मदेनी नगर झारखंड में हत्या व लूट समेत विभिन्न मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद कर्मचारियों में नाराजगी है। देहरादून में जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने राहुल गांधी के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे कर्मचारियों को पुलिस ने रोक लिया। कर्मचारियों ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने के आदेश के बाद रोस्टर व्यवस्था लागू करने की मांग करते हुए 20 फरवरी तक रोस्टर लागू करने की चेतावनी दी है। 21 फरवरी को कर्मचारी प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे। आजमगढ़ में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प हो गई। विवाद कार्यक्रम स्थल पर जाने को लेकर शुरू हुआ। दरअसल बिलरियागंज में बवाल के बाद पीड़ित महिलाओं से मिलने प्रियंका गांधी पहुंच रही थी। प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बुलंदशहर में सीएए को लेकर हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 24 लोगों के नाम उजागर किए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर 24 और एफआईआर बढ़ाई गई। एसएसपी संतोष कुमार ने सभी हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। 19 दिसंबर को सीएए के विरोध में हुई हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहन में तोड़फोड़ आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। प्रदेश के सभी जिलों में जिला योजना समिति के गठन के मद्देनजर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। डीसीपी के लिए हरिद्वार में निर्वाचित सदस्य की संख्या सबसे अधिक 32 होगी जबकि बागेश्वर चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों में सबसे कम 16-16 होगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों की डीसीपी में 69 सदस्य नामित भी किए जाएंगे। डीसीपी सदस्यों के चुनाव के मद्देनजर अब इनके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कर दिया गया है। काशीपुर में विकास कार्य को लेकर लंबे समय से की जा रही मांग को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है जिसके चलते काशीपुर विधायक ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया। काशीपुर में पिछले लंबे समय से विकास का पहिया पूरी तरह जाम हो चुका था जिसको लेकर काशीपुर विधायक ने काशीपुर के विकास के लिए 6 विकास कार्यों का मांग पत्र मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा था। इन सभी मांगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। नैनीताल जिले में पिछले साल की अपेक्षा इस बार खनन राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। इस साल का खनन सत्र शुरू होने के बाद से अब तक केवल 57 करोड़ रुपए का राजस्व ही जिले को प्राप्त हुआ है जबकि पिछले साल खनन सत्र से 150 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य सरकार को मिला था। गौरतलब है कि इस साल खनन सत्र शुरू होने के बाद जिले की केवल 4 नदियों में ही खनन हो पाया है। इसके अलावा 4 निजी और कुमाऊ मंडल विकास निगम के पट्टों पर ही खनन चल रहा है जबकि पिछले साल 7 नदियां और 24 पट्टों में खनन चल रहा था। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2020 के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है।
जो कि बोर्ड की परीक्षा के इतिहास में पहली बार किया जा रहा है। यह हेल्पलाइन नंबर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक काम करेगा। हेल्पलाइन नंबर के लिए प्रयागराज के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां बोर्ड परीक्षा के लिए विशेषज्ञों की टीम तैनात रहेगी, जो प्रदेश भर से आए परीक्षार्थियों के फोन को रिसीव कर उन्हें परीक्षा संबंधी जो भी सवाल सलाह होंगे उन्हें मुहैया कराएगी। इस बार प्रयागराज मंडल के कुल 670 केंद्रों में यूपी बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सर्वाधिक 285 केंद्र प्रयागराज जिले में बनाए गए हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने तहसील परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रगतिशील जनमंच के बैनर तले स्थानीय लोगों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी ज्ञापन भेजा। लोगों ने मांगे न माने जाने पर सरकार की आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग भी की है। हिंदी नेता रणजीत बच्चन की हत्या के मामले में गोरखपुर एसएसपी ने शाहपुर के हड़हड़वा चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया है। लापरवाही बरतने पर प्रभारी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। 3 साल पहले रणजीत बच्चन पर केस दर्ज हुआ था। रणजीत के खिलाफ रेप के आरोप में एफआईआर हुई थी, लेकिन मामले में रणजीत की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एटा के जैसलमेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ज्योति नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला को बुजुर्ग सास की पिटाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सास की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे महिला अपनी सास के साथ बदसलूकी कर रही है। यूपी में सरकार भले ही व्यवस्था सेवाओं को बेहतर करने की कवायद में जुटी हो, पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनकी इस योजना में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज में स्थित बाल महिला चिकित्सालय में रोज सैकड़ों की संख्या में गर्भवती महिलाएं इलाज कराने के लिए आती हैं, लेकिन डॉक्टरों की लेट लतीफी के चलते महिलाओं को घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। ओपीडी के ठीक बगल में बने शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बदबू से महिला मरीजों का बुरा हाल रहता है। मरीजों का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यूपी के कन्नौज में अबकारी विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिले भर में छापेमारी की। छापेमारी में 210 लीटर अवैध शराब और 1000 किलोग्राम लहन बरामद कर नष्ट कर दिया गया। वहीं अबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। मथुरा में हेड कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। हेड कांस्टेबल का शव थाना परिसर में मिला है। मृत कांस्टेबल पुष्पेंद्र यादव फरह थाने में तैनात था। कौशाम्बी में लेखपाल का रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैंसर पीड़ित की माली हालत में रिपोर्ट लगाने पर रिश्वत मांग कर रहे लेखपाल राजेश्वर सिंह। गोरखपुर के बोलीपार इलाके में पुलिस ने एटीएम बदलकर जालसाजी करने वाले 4 जालसाज को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस अधीक्षक दक्षिण विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एटीएम से जालसाजी करने वालों का एक संगठित गिरोह है। ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनके एटीएम को बदलकर पैसा निकाल लेते थे। सहारनपुर में बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने धर्मकांटे पर एक शख्स पर गोली चला दी। गोली लगने से अकबर नामक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फरुखाबाद में एक शादी समारोह में एक युवक ने जमकर तमंचे पर डिस्को किया, लेकिन उसके डांस का वीडियो वायरल हो गया और खोजबीन के बाद नवाबगंज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तमंचे पर डिस्को करने वाले युवक मंझना का रहने वाला शाहरुख खान है। अपने ठुमकों से कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते शाहरुख की मस्ती को उस समय ग्रहण लग गया जब दोस्तों ने वीडियो वायरल कर दिया और शाहरुख को थाने जाकर डिस्को करना पड़ा। प्रदेश के सिडकुल इलाके में आपदा प्रबंधन विभाग ने एक मॉकड्रिल का आयोजन किया। देहरादून के आपदा प्रबंधन विभाग ने इस मॉकड्रिल का आयोजन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, एयरफोर्स और स्थानीय पुलिस के जवानों के लिए किया था। मॉकड्रिल में एक बड़े भूकंप के आने और उसके बाद सिडकुल में केमिकल डिजास्टर की सिचुएशन बनाई गई थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह मॉकड्रिल कंट्रोल रूम पहुंचे और मॉकड्रिल पर तत्काल रिस्पॉन्स का निरीक्षण किया।
विकास नगर के चकारात्मा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जहां पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत बना हुआ है, तो वहीं भीषण बर्फबारी का प्रकोप जंगली जानवरों की जान पर भारी पड़ रहा है। निचले इलाके में खाना पानी की तलाश में आ रहे जानवर शिकारियों का शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। शिकार की आशंका के चलते यहां की वन चौकसी पर तैनात वनकर्मी जंगल में जानवरों की इस मूवमेंट को लेकर कड़ी चौकसी बरत रहे हैं, जिसके लिए निरंतर गश्त भी की जा रही है। वन विभाग अग्रिम पंक्ति के वन कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अक्सर वन विभाग के कर्मचारी वन तस्करों से होने वाली मुठभेड़ और जंगल में गश्ती के दौरान वन्य जीवों का शिकार हो जाते हैं, लिहाजा अब ऐसे वन कर्मियों के भविष्य और उनके परिवार के प्रति उनके दायित्व पूरे करने के लिए वन विभाग वन कर्मचारियों के 30 लाख रुपए का बीमा कराने जा रही है। वन विभाग बैंकों से AMU करने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को किसी भी रिस्क में होने पर उनके परिवार और बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। मऊ पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही अपहरण बच्चे को पुलिस ने गोंठा के पास स्थित एक ईंट की भट्टी की झोपड़ी से बरामद कर लिया है। पुलिस ने अपहरणकर्ता महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल परिजनों को सौंप दिया है। बच्चों को पाकर मां की आंखों में आंसू आ गए। सोमवार को दोहरीघाट थाना क्षेत्र के कस्बा बाजार में एक 3 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था। यूपी के हमीरपुर जिले में एक तरफा प्यार में पागल युवक ने युवती को जान से मारने के लिए उसके घर में घुसकर फायरिंग कर दी, लेकिन इस फायरिंग में युवती की जान बाल बाल बच गई और प्रेमी मौके से फरार हो गया। अलीगढ़ मडराक इलाके के पड़ियावाली में विद्युत विभाग के अफसरों ने एक पावर हाउस को बियर बार बना दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पावर हाउस में अधिकारी और कर्मचारी खुलकर पैक बनाकर शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। शराब के नशे में पूरी तरह धुत कर्मचारी गिरते पड़ते दिखाई दे रहे हैं। शराब पीने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हापुड़ में देर रात रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी का इंजन आगे करते हुए पटरी से नीचे उतर गया, जिसके बाद ट्रेन के चालक गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी को आगे की तरफ किया जा रहा था, जिसके चलते मालगाड़ी का इंजन अचानक पटरी से नीचे उतर गया। पटरी से नीचे इंजन उतरते ही स्टेशन पर हड़कंप मच गया, जबकि चालक फरार हो गया है। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक और मास्टर से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो उनका कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सोनभद्र के अनपारा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 25 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण सड़क पर उतर गए और मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग जाम कर दिया। उधर घटना की सूचना पाकर अनपारा शक्तिनगर और रेणकूट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने आश्वासन के बाद जाम को खुलवा दिया। पुलिस ने आश्वासन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। मुरादाबाद में मां के साथ खेत में काम करने गई 4 साल की मासूम पर तेंदुए ने हमला कर दिया। घायल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लखनऊ के NH24 पर आपस में 2 स्कूल बसें टकरा गई। ये स्कूल बसें रामेश्वर और एयरफोर्स के स्कूल की बसें थी। हादसे के समय दोनों बसों में लगभग 35 बच्चे सवार थे। बदायूं में 2 कारों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। 3 को बरेली रेफर कर दिया गया है। बिजनौर में टैंकर ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी। रोडवेज में सवार कई यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विकासनगर में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हरबतपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस ने ओवरटेक करते हुए स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार दंपत्ति और उनकी 8 माह की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। लखनऊ में ड्राई क्लीनिंग शॉप में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी है। घंटों की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल इंडियन गैस ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 150 रुपए तक महंगे कर दिए। देश की राजधानी दिल्ली में 14 किलोग्राम के गैस सिलेंडर के दाम में 144.50 रुपए की बढ़त हुई है। अब दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर 858.50 रुपए में मिलेंगे। वहीं कोलकाता के ग्राहकों को 149 रुपए ज्यादा चुकाकर 896 रुपए देने होंगे।
इसी तरह मुंबई में 145 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब यहां सिलेंडर की नई कीमत 829 रुपए 50 पैसे हो गई है। चेन्नई में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 147 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और ये 881 रुपए पर बिक रहा है। इस साल दूसरी बार ये है जब रसोई गैस के दाम बढ़े हैं।